मैं प्रभु जब मेरा अपना शेड्यूल रहता है क्योंकि मैं सुरेश जी के इस बार हमें सूचना मिली कि आज प्रोग्राम है जयनगर महिला कॉलेज में, तो मैंने बहुत उत्सुकता की कि आज मैं अवश्य आऊँगा और मैंने यहाँ आया। और इस संस्था के संस्थापक भगवान लाल दास जी का भी आज जन्मदिन है जो हम लोग यहाँ मना रहे हैं। सबसे विशेष कड़ी है अभी के समय में पर्यावरण, जिस पर सबके जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष एक न एक वृक्ष लगता है जो बहुत ही अहमियत रखता है। आज इस समय में जो पर्यावरण का स्थिति है जिसमें पेड़ पौधा लगाने पर बहुत जोर भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, भी हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। इस प्रेरणा स्रोत के लिए हम खास कर प्रोफेसर जगदीश बाबू जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को सुनाऊँ। स्थापना दिवस पर हम प्रत्येक वर्ष लगभग यहाँ इस संस्था में 5 वर्षों लगभग जुड़े हुए हैं और यहाँ देखते आ रहे हैं कि जितना भी कार्यक्रम, कम से कम साल में 2-3 कार्यक्रम तो होना ही है। और आप लोगों से अनुरोध यही करेंगे कि कम से कम एक एक जो है ना व्यक्ति को संगठन में जोड़िए ताकि हमारा संगठन और भी मजबूत हो। आज इस जिला में है या प्रखंड में है, परसों जो है ना दूसरे जिला में भी अपने लिंक का जो भी व्यक्ति है उसको यानी जोड़ने के लिए प्रेरित करें। यही करके अपने वाणी को विराम मेरा पहले से मौजूद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं यादव जी को मेरा हार्दिक शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ ही यहाँ पर जिला इकाई के रूप में मनीष सिंह यादव जी, संजय पंडित जी, उसके अलावा और भी सुरेश गुप्ता जी और भी हमारे सभी पिंकी झा जी और भी हमारे सभी पत्रकार बंधुगण जो भी यहाँ आए हुए हैं, उन सभी को भी शुभ अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक परिवार के तमाम सदस्य के हृदय से नमन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के 24वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर जयनगर के महिला कॉलेज के प्रांगण में जो वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वृक्ष लगाने के सभी सदस्य के विचार हुआ कि वृक्ष लगाया जाए, कौन सा वृक्ष लगाया जाए। मेरे मन में ऐसा विचार हुआ तो एक ऐसा वृक्ष लगाए जो अद्भुत वृक्ष हो, जो जिसका चर्चा हो। आम लीची का वृक्ष तो हर एक आदमी लगाते हैं और उससे कुछ हट के हमने जो है धूप का वृक्ष लगाया है। वो वृक्ष का मेरा मन में विचार है जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा उसी तरह इस आयन की का परिवार भी बढ़ेगा और जैसे जैसे डाली बढ़ेगी वैसे वैसे ये जिला से, प्रखंड से, पंचायत स्तर तक ये अपना विस्तार करेगा। यही मेरे मन में विचार रख के हमने ऐसा किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब अध्यक्ष महोदय, अभी भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के 24वें वार्षिकोत्सव यानी स्थापना दिवस के मौके पर हम लोग सभी उपस्थित हुए। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हुआ, सब लोग अपनी अपनी बात रखे। अब चूंकि भगवान बाबू हमारे प्रिय हैं, गार्जियन है और उन्हीं के बदौलत हम लोग मधुबनी जिला में हैं और अपनी पहचान बनाए हुए हैं, तो उनके जन्मदिन के मौके पर हम लोग आज केक काटेंगे और केक काटकर उनका जन्मदिन मनाएंगे और इसी के साथ हम लोगों का ये कार्यक्रम समाप्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 24वां स्थापना दिवस है और ये आज स्थापना दिवस जो है पूरा भारत में मनाया जा रहा है और ये जो है 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चलेंगे। तो इसी घड़ी में हम तमाम INGF परिवार के, मधुबनी के इकाई के तमाम पदाधिकारी, संरक्षक, संयोजक, तमाम आदमी मिलकर आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो ये चीज़ यादगार है और हम लोग तमाम हर एक साल भी ये चीज़ मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस खुशी में हम लोग आज एक पेड़ पौधा भी लगाए हैं जो हम लोग के लिए यादगार ही रहेंगे क्योंकि छांव है। और प्लस में जो है से कि आज हम लोग इस अवसर पर सर अभी बताएं कि हमारे जो संरक्षक हैं वहाँ जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका शायद आज जन्मदिन भी है, तो इनके अवसर पर आज हम लोग केक काटने के लिए भी जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव। हमारे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक श्री डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी हैं, उन्होंने
आज से 24 वर्ष पहले इसकी स्थापना की थी और तब से यह पूरे देश में, हमारे भारत के 18 राज्यों में इसका विस्तार हुआ है। मधुबनी जिला भी एक इकाई है, इसमें हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग हर साल मनाते हैं और उनके जन्मदिवस पर ये इसकी स्थापना की गई थी। तो इस मौके पर प्रत्येक साल एक वृक्षारोपण भी करते हैं। आज भी हमने, हम लोगों ने मिल करके महिला महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया है, एक धूप का पेड़ लगाए हैं जो एक अच्छा पौधा है और हम उसको मतलब पानी पटा करके उसको बड़ा करेंगे और यादगार के रूप में रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।